बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द लास्ट वुमन ऑन द अर्थ। इस कहानी की शुरुआत में शहर को दिखाया जाता है जो न्यूक्लियर रेडिएशन की वजह से पूरी तरह से खत्म हो चुका है। इस शहर में एक भी इंसान नहीं दिखता। अब कुछ ही लोग बचे हैं जिन्हें सर्वाइवर्स कहा जाता है, जो अपनी जान बचाने के लिए खाना इकट्ठा करते हैं और किसी तरह से अपने आप को रेडिएशन से बचाते हैं। यहीं हम एक लड़की को दिखाया जाता है जिसने अपनी पूरी बॉडी को कवर किया होता है। इस लड़की का नाम ऐना है। ये अपनी फूड सप्लाई लेने के बाद यहाँ से एक दूसरी जगह जाती है जो कि एक बहुत ही खूबसूरत वैली होती है। दरअसल ये ऐसी जगह है जहाँ पर रेडिएशन नहीं है, इसीलिए वो अपने प्रोटेक्टिव हेलमेट को और सूट को उतार देती है। दरअसल ये वैली उसकी फैमिली वैली है और यहाँ पर वातावरण ऐसा है जहाँ पर बिना हेलमेट के रहा जा सकता है। लेकिन घर जाने के बाद वो सबसे पहले अपनी बॉडी को अच्छे से वॉश करती है ताकि उसकी बॉडी में कहीं भी रेडिएशन ना हो। अगले दिन वो अपने डॉग के साथ उस ट्रैप को देखने जाती है जो उसने किसी जानवर को फंसाने के लिए लगाया होता है, लेकिन उसके फंदे में कोई भी जानवर नहीं होता। तभी ऐना के डॉग को कोई आवाज सुनाई देती है जिसे सुनने के बाद वो एक तरफ भागना शुरू कर देता है। ऐना भी उसके पीछे जाती है और वो देखती है कि वहां पर एक गाड़ी है। उस गाड़ी के पास एक आदमी होता है जिसने सूट पहना होता है और वो अपने यंत्रों से यहाँ का वातावरण चेक कर रहा होता है और अगले पल वो अपने सूट को निकाल देता है क्योंकि यहाँ पर रेडिएशन नहीं होता। ये जानकर वो बहुत खुश होता है और इसके बाद वो एक झरने के नीचे नहाने चला जाता है। ऐना भी वहां पर आ जाती है और उसे कहती है कि तुम यहां से बाहर निकल जाओ। ऐना के पास गन होती है, इसीलिए वो आदमी जिसका नाम जॉन है वो डर जाता है और वो अपनी पिस्टल निकाल लेता है। ऐना उसे कहती है कि जिस पानी में तुम नहा रहे हो ये शहर से आ रहा है और ये भी रेडियो एक्टिव है, यानी कि इसमें भी रेडिएशन है। जॉन जल्दी से बाहर निकल जाता है और अपनी गाड़ी की तरफ भागता है जहां पर उसके पास दवा है, लेकिन वो इतना घबरा गया होता है कि वो अपने आप को इंजेक्शन लगा ही नहीं पा रहा होता। इसीलिए ऐना उसकी मदद करती है और उसे इंजेक्शन लगाती है। इसके बाद वो उसे अपने घर ले जाती है जहां पर वो उसकी बॉडी को वॉश करती है ताकि अगर उसकी बॉडी में कोई भी रेडिएशन हो तो वो पूरी तरह से निकल जाए। लेकिन अब उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, उसकी बॉडी में रेडिएशन फैलना शुरू हो गया होता है। ऐना उसकी बहुत देखभाल करती है, उसके लिए प्रेयर भी करती है और धीरे धीरे जॉन पूरी तरह से ठीक हो जाता है। एक दिन ऐना उसे अपनी फैमिली फोटो एल्बम दिखाती है और बताती है कि उसके पिता भी रेडिएशन की वजह से मारे गए और उसका जो भाई था एक दिन वो सामान लेने के लिए शहर गया था, इसके बाद वो कभी लौट कर नहीं आया। मुझे नहीं पता कि वो जिंदा है भी या नहीं। सुनकर जॉन को भी ऐना के लिए बहुत बुरा लगता है, साथ ही जॉन ने भी अपने लोगों को खोया है। अब अगले दिन ऐना जब खेती कर रही होती है तभी जॉन उसके पास आता है और उसे कहता है कि तुम्हारे पास ट्रैक्टर है, तुम उसका इस्तेमाल भी कर सकती हो। ऐना बताती है कि उसमें फ्यूल नहीं है। जॉन कहता है कि पास ही में एक गैस स्टेशन है, तुम्हें वहां से फ्यूल ले आना चाहिए। ऐना कहती है कि वहां पर कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो मुझे फ्यूल दे। जॉन कहता है तो तुम खुद ही जाकर ले लो। दरअसल ऐना के दिमाग में ये बात आई नहीं होती और अब वो खुद जाकर वहां से फ्यूल ले आती है, जिसके लिए रात को खाते वक्त वो जॉन को थैंक्स भी कहती है। जॉन कहता है कि मैं पहले एक बंकर में रहा करता था, मैं पूरी तरह से अकेला था, मेरे दिमाग में भी कोई भी आइडियाज नहीं आते थे और एक दिन मैंने तय किया कि मैं इस बंकर के अंदर अब नहीं रहूंगा। मैंने अपने लिए खास गाड़ी बनाई, एक सूट बनाया और बाहर निकलकर मैंने ऐसी जगह को सर्च करना शुरू कर दिया जहां पर रेडिएशन ना हो और मैं यहां पहुंच गया। दरअसल मैं एक इंजीनियर था। अब इन दोनों की धीरे धीरे दोस्ती होना शुरू हो जाती है। ऐना का जनरेटर भी यहाँ पर खराब हो गया होता है और क्योंकि जॉन एक इंजीनियर था इसीलिए वो जनरेटर को ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे ठीक नहीं कर पाता। इसके बाद ही दोनों के दोनों वाटरफॉल की तरफ जाते हैं जहाँ पर जॉन बताता है कि हमें एक बहुत बड़ा व्हील बनाना पड़ेगा, इसके लिए हमें लकड़ी की जरूरत होगी और जब उस व्हील को हम इस वाटरफॉल के नीचे रखेंगे तो घूमेगा जिससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो जाएगी। ऐना को जॉन का आइडिया बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अब इन्हें व्हील बनाने के लिए बहुत ज्यादा लकड़ियों की जरूरत है। यहाँ पर एक चर्च भी होता है जो पूरी तरह से लकड़ी का बना होता है। जॉन कहता है कि इसे तोड़कर हमें पर्याप्त लकड़ियां मिल जाएगी, लेकिन ऐना साफ साफ मना कर देती है क्योंकि उसके पिता इसी चर्च में प्रीचर थे, साथ ही उसका क्रिश्चियनिटी में बहुत ज्यादा फेथ होता है। ऐना जब पूरी तरह से अकेली थी तो ये चर्च ही उसका सहारा था। जॉन उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन ऐना नहीं मानती, इसीलिए जॉन लकड़ी के व्हील बनाने वाले आइडिया को पूरी तरह से ड्रॉप कर देता है। वो कहता है कि ठीक है, मैं उसी जनरेटर को ठीक करने की कोशिश करूंगा।
अब जॉन एक सुपरमार्केट जाता है जहां पर उसे शराब की कुछ बॉटल्स मिलती हैं। और रात को एना और जॉन जब दोनों शराब पीते हैं तो एना बहुत ज्यादा ड्रंक हो जाती है और नशे में वो जॉन से कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। जॉन कहता है कि ये वक्त शादी का नहीं है, हमारे पास बहुत सारे काम है, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, हमें पहले उन सबको पूरा करना होगा। अगर हम एक दूसरे के करीब आ गए तो हम पूरी तरह से बदल जाएंगे और अपने काम को, अपने सर्वाइवल को पूरा नहीं कर पाएंगे। एना भी उसकी बात मान जाती है। अगले दिन एना के डॉग को दिखाया जाता है जो एक तरफ भागना शुरू कर देता है। एना भी उसके पीछे जाती है और वो देखती है कि उसका डॉग एक आदमी के पास रुक गया। इस आदमी का नाम कैलिब होता है। वो एना से कहता है कि मुझे पीने के लिए पानी चाहिए, इसीलिए एना कैलिब को अपने घर ले आती है। जॉन जब उसे देखता है तो उस पर गन तान देता है। एना कहती है कि ये हमसे कुछ नहीं चाहता, इसे सिर्फ पीने के लिए पानी चाहिए। इसके बाद ये कैलिब को पीने के लिए पानी देते हैं। कैलिब ने बताता है कि मैं अपने कुछ साथियों के साथ पासी की एक गुफा में छुपा हुआ था, लेकिन रेडिएशन वहां पर भी फैल गया जिस वजह से मेरे सभी साथी मारे गए। मैं अपनी जान बचाकर यहां पर भाग आया, क्या मैं कुछ दिनों के लिए यहां पर रह सकता हूं? जॉन कहता है कि तुम रह तो सकते हो लेकिन तुम्हें घर के बाहर रहना होगा। लेकिन एना के कहने पर उसे घर के अंदर रहने की इजाजत मिल जाती है। और जब ये सब के सब खाना खा रहे होते हैं तभी वो जॉन से पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे आए। जॉन बताता है कि मैं ऐसी जगह की तलाश करने की कोशिश कर रहा था जहाँ पर रेडिएशन ना हो, तभी मैंने देखा कि एक लड़का मेरा खाना चुराने की कोशिश कर रहा है। जब मैं उसके पास गया तो मैंने देखा कि उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, जिसके बाद मैं उसे वहीं छोड़कर इस जगह पर आ गया। एना केबिल को उसका कमरा दिखाती है जो देखकर जॉन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जॉन उससे कहता है कि तुम्हें उसके साथ इतना क्लोज होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें नहीं पता कि वो कौन है और किस मकसद से यहाँ पर आया है। एना कहती है कि तुम मुझ पर शक कर रहे हो, ना ही तुमने कभी मुझे उस लड़के के बारे में बताया जो तुम्हें यहाँ आने से पहले मिला था, जो रेडिएशन से इफेक्टेड था। जॉन कहता है कि तुम सच नहीं सुन पाती। एना कहती है कि रेडिएशन में मेरे पिता इस दुनिया से चले गए, मेरा भाई भी खो गया, मैंने बहुत कुछ सहा है, इसीलिए मेरे अंदर बहुत ज्यादा शक्ति आ चुकी है, मैं किसी भी चीज का सामना कर सकती हूँ। जॉन उसे बताता है कि जो लड़का मुझे मिला था, जिसने मेरा खाना चुराने की कोशिश की थी, वो बहुत ज्यादा बीमार था, वो मुझसे भीख मांग रहा था कि तुम मुझे मार दो, इसीलिए मुझे उसे शूट करके मारना पड़ा, और वो और कोई नहीं बल्कि तुम्हारा भाई था जिसकी फोटो तुमने मुझे दिखाई थी। ये सुनकर एना को बहुत दुख होता है। जॉन उसे माफी मांगता है। अभी सिचुएशन को समझकर उसे माफ कर देती है। अगले दिन जॉन और कैलिब शिकार करने जाते हैं जहां पर वो ऑर्चिड को मारकर लेकर आते हैं। रात को जब ये डिनर कर रहे होते हैं तो जॉन कहता है कि हमें व्हील बनाना चाहिए ताकि यहां पर इलेक्ट्रिसिटी दोबारा आ सके। एना कहती है तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो, लेकिन कैलिब इस फेवर में नहीं होता कि चर्च को तोड़ा जाए। वो कहता है कि हमारे पास प्रार्थना करने की सिर्फ एक ही जगह है, हमें लकड़ियां इकट्ठा करने के लिए कोई दूसरा रास्ता निकालना चाहिए, लेकिन इनके पास कोई भी दूसरा रास्ता नहीं होता, इसीलिए अगले दिन ये चर्च को तोड़ना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर एना और कैलिब की केमिस्ट्री एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी होती है। ये दोनों एक दूसरे की कंपनी को बहुत इंजॉय करते हैं। और जब जॉन ये देखता है तो उसके दिल में जेलसी पैदा होना शुरू हो जाती है। कैलिब और एना को एक साथ देखकर वो बिल्कुल भी खुश नहीं होता। रात को जब एना जॉन के पास आती है तो उससे कहता है कि तुम चाहे जिस मर्जी के साथ रह सकती हो, ये तुम्हारी जिंदगी है। ये सुनकर उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो उसे कहती है कि तुम मुझ पर शक कर रहे हो, मेरे और कैलिब के बीच में कुछ भी नहीं है। अगले दिन दिखाया जाता है कि बहुत मेहनत करने के बाद ये आधे व्हील को बना लेते हैं। ये सब के सब बहुत खुश होते हैं, इसीलिए रात को ये वाइन पीते हैं, जिसके बाद एंजॉय करने के लिए लेक पर जाते हैं। लेक के अंदर जाने के बाद ये गेम खेलते हैं। जॉन एक बोतल को पानी के अंदर फेंक देता और कहता है कि जो इसे ढूंढ कर लाएगा वो इस गेम को जीत जाएगा। सबसे पहले जॉन जाता है लेकिन उसे बोतल नहीं मिलती। इसके बाद एना जाती है और बताती है कि मुझे बोतल मिली थी लेकिन वो मेरे हाथ से छूट गई। कैलिब उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा और ये दोनों की दोनों तालाब के अंदर डुबकी लगाते हैं। ये देखकर जॉन को बहुत गुस्सा आता है, अंदर ही अंदर उसके दिल में जेलसी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। और जब ये तालाब से बाहर आते हैं तो जॉन एना से कहता है कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, उस वक्त मैंने तुम्हारे प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया था क्योंकि वो सही वक्त नहीं था, लेकिन अब मुझे एहसास है कि मुझे तुमसे प्यार है। इसके बाद ये घर आ जाते हैं। एना और जॉन एक कमरे में जाते हैं जहाँ एना और जॉन एक दूसरे के फिजिकली क्लोज आना चाहते हैं, लेकिन जॉन ने बहुत ज्यादा ड्रिंक की होती है इसीलिए वो सो जाता है। एना उसे उठाने की कोशिश करती है लेकिन उसकी आंख नहीं खुलती, जिसके बाद एना कैलिब के कमरे में जाते हैं। वैसे भी इन दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी होती है और आज की रात को ये दोनों फिजिकली एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज हो जाते हैं। अगली सुबह एना जब ब्रेकफास्ट के लिए बैठी होती है तो वहां पर कैलिब आता है
और जिस तरह से वो एना को टच कर रहा होता है, जॉन को देखकर शक हो जाता है कि इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है जिस वजह से इन दोनों के जेस्चर्स बदल चुके हैं। लेकिन फिलहाल वो इन दोनों को कुछ भी नहीं बोलता और अब ये व्हील को बनाने के फाइनल काम को लगभग पूरा कर चुके हैं। और जब ये दोनों वापस आ रहे होते हैं तो जॉन कैलिप से कहता है कि तुम्हारा यहाँ आने के लिए शुक्रिया, तुम्हारे आने के बाद मेरे और एना के बीच में सारी दूरियां खत्म हो चुकी हैं। लेकिन कैलिप समझ जाता है कि वो झूठ कह रहा है। वो जॉन से कहता है कि तुम्हें झूठ बोलना नहीं आता, तुम तो ये चाहते थे कि मैं कभी यहाँ पर आता ही नहीं, लेकिन अब मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। जॉन उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और उस जगह से चला जाता है। अब इनका व्हील पूरी तरह से तैयार हो चुका है और ये व्हील को झरने के नीचे लगा देते हैं। लेकिन अभी भी इन्हें व्हील की सेटिंग करनी होती है, इसीलिए कैलिप नीचे जाता है। लेकिन झरने में रेडिएशन है, इसीलिए उसे सूट पहनकर जाना पड़ता है जो कि बहुत हैवी होता है। और जब वो काम पूरा करके रस्सी के सहारे ऊपर आ रहा होता है, तभी स्लिपरी जगह होने की वजह से उसका पैर स्लिप हो जाता है। लेकिन जॉन रस्सी पकड़ लेता है, वो उसे ऊपर की तरफ खींचना शुरू कर देता है, लेकिन एक बार फिर से उसका पैर स्लिप होता है और इसके बाद वो जॉन की आंखों में देखता है। ये दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं और यहाँ पर कैलिप को उसकी आंखों में नफरत और बदला दिखता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जॉन घर वापस आ गया, जहाँ पर एना उससे माफी मांगती है। वो कहती है कि रात को बहुत ज्यादा ड्रंक थी, इसीलिए उससे गलती हो गई, लेकिन वो कैलिप से प्यार नहीं करती। जॉन कहता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी कैलिप मेरा सूट लेकर यहाँ से निकल गया है क्योंकि वो दूसरे सर्वाइवर्स को ढूंढना चाहता है। लेकिन एना को उस पर शक होता है, वो कैलिप को देखने के लिए बाहर की तरफ भागती है, लेकिन कैलिप दूर दूर तक उसे कहीं भी नहीं दिखता और उसे शक हो जाता है कि हो ना हो जॉन ने उसे मार दिया है। इसी तरह से कुछ और दिन बीत जाते हैं और अब जो व्हील इन्होंने झरने के नीचे बनाया था, उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी भी इनके घर पर आ जाती है। लेकिन एना का दिल पूरी तरह से बदल चुका होता है। जब वो बार में जाती है तो देखती है कि चर्च का पियानो वहां पर होता है जो जॉन लेकर आया होता है। एना पियानो को बजाना शुरू कर देती है, जॉन भी वहां पर आ जाता है। एना जो धुन उसमें बजा रही होती है वो बहुत ही उदास होती है और तभी वो जॉन को देखती है और उसकी आंखों से साफ साफ पता चलता है कि उसे पूरी सच्चाई का पता चल चुका है। जॉन के दिल में जो उसके लिए प्यार था वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। जॉन वहीं बेंच पर बैठ जाता है। जॉन को समझ में आ चुका है कि वो जीत कर भी हार गया। हालांकि उसने अपने और एना के बीच से कैलिप को हमेशा के लिए हटा दिया, लेकिन इस जीत के साथ भी उसकी हार हुई, क्योंकि प्यार हमेशा उन्हीं लोगों को मिलता है जो दिल से अच्छे होते हैं, क्योंकि दिल से ही प्यार किया जाता है। और जॉन जिसका दिल अच्छा नहीं था वो उस लड़की को हार गया जो उससे प्यार किया करती थी। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म ईयर 2015 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।